हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आप लोगों के पास किचन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने जा रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हमारे चैनल में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो रियल मिलेगी, क्योंकि इससे हमारे व्यूअर्स भी मिसगाइड ना हो और हमारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो जो हमारा पहला टिप है वो है, अगर आप कढ़ाई में तेल डालते समय थोड़ी सी पानी रह जाए तो इस तरह के छींटे आने लगते हैं, तो हमें ऐसा क्या करना है जिससे ये छींटे नहीं आएंगे। और ये जो छींटे हैं ये बहुत ही डेंजरस है, ये आपको घायल भी कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं किस तरह से मतलब फट रहते हैं ये। तो जब भी आपके साथ ये सिचुएशन हो, आप थोड़ी सी आटा या मैदा चुटकी भर आपके पास जो अवेलेबल है आप डाल दें, साथ ही साथ तेल से छींटे आना बंद हो जाएंगे। इसी के साथ और एक प्रोसेस भी आप कर सकते हैं, अगर तेल में इस तरह से छींटे आए तो आप इसमें चुटकी भर नमक भी डाल सकते हैं, नमक को डालते ही तेल में छींटे आना बंद हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है, आप थोड़ा इससे भी कम डालेंगे तो भी होगा। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टिप है वो चाय पत्ती को लेके हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये जो चाय पत्ती है ये कुछ अलग सा दिख रहा है, तो चलिए इसका रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चाय तो हम सभी पीते हैं, जब हम चाय बनाते हैं हम चाय में एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए अदरक, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता वगैरह वगैरह डालते हैं, जिससे चाय का जो टेस्ट है वो काफ़ी इन्हेंस हो। लेकिन हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम हर बार एक स्पेशल चाय बनाने के लिए हम इसमें अदरक, लौंग, इलायची एक एक करके कूटे, चाय में डालें, फिर बनाएँ, फिर पिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी के बारे में एक टिप शेयर करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, आपके पास जब भी टाइम हो आप चाय में डालने वाली इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, अदरक जो भी आप डालते हो इन्हें दरदरा पीस ले और इन कूटे हुए चीज़ों को आप चाय पत्ती के साथ मिक्स कर ले। अगर आप यहाँ पे अदरक का यूज़ करना चाहते हैं तो अदरक को आपको पहले धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो चाय पत्ती है ये पहले से ही ये सब चीज़ें मिक्स थी, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा फिर से यहाँ पर मिक्स कर दिया है। इसके यूज़ से आपके जो नॉर्मल चाय पत्ती थी यह बहुत ही स्पेशल चाय पत्ती बन चुकी है। आप अगर इस तरह के चाय पत्ती से चाय बना के घर वालों को पिलाएंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलना ही मिलना है। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप में। इस टिप के यूज़ के बाद आप ओनियन काटने के बाद आपकी आँखों में आँसू नहीं आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक पतीले में थोड़े से पानी को उबाल लेना है और आप जो भी ओनियन काटना चाहते हैं इसे 5 से 10 सेकंड के लिए यहाँ पे डिप कर देना है। ओनियन को पानी में खूब ज़्यादा देर नहीं रखना है और इसे बॉईल भी नहीं करना है, सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए रखना ही काफ़ी है। देख सकते हैं किस तरह से पानी का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। अभी शायद आपको एक बात परेशान करेगी, क्योंकि हमने ओनियन को गर्म पानी में रखा तो ये अच्छे अंदर से कैसे हो चुकी है, अच्छी है या नहीं। तो चलिए ये भी कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं, मैं इसे काट के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ओनियन पहले जैसा ही है, अंदर से कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा ताज़ा है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टिप है वो बैंगन को लेके है। क्या आपको पता है हमें बैंगन को कैसे काटना है? हमेशा क्या होता है, हम अगर बैंगन को काट के रख दें तो ये काली पड़ जाती है और इसके टेस्ट में भी काफ़ी बदलाव आ जाती है। हमें क्या करना है, हमें बैंगन को काटने से पहले ही हमें थोड़े से पानी ले लेना है और हमें बैंगन को पानी में ही काटना है। इसी के बाद हम बैंगन को पानी में ही 5 मिनट के लिए डिप करके रख देंगे। साथ ही आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल में इस तरह के यूज़फुल वीडियोज़ डालते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इसका पानी है इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी जो बैंगन है आप इसे 5-6 घंटे बाद में भी कुक करें तो इसका कलर में चेंजेस नहीं आएंगे, ये काली नहीं पड़ेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।